सो देखो दोस्तों, अभी हम आईडी ऑन कर लेंगे। ये है मेरा उबर का, ये आईडी ऑन होगी, और ये है रैपिडो भैया का। तो दिखाते हैं आपको इसकी अर्निंग, इसकी अर्निंग, इसकी टाइमिंग, इसकी टाइमिंग, इसका पेट्रोल, इसका पेट्रोल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम जा रहे हैं रैपिडो में और उबर में काम करने के लिए। दोनों की अर्निंग वगैरह टोटल बताएंगे आपको, किसमें ज्यादा फायदा। आपके मन में क्वेश्चन रहता होगा किसमें ज्यादा फायदा, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा किसमें ज्यादा फायदा है, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, रेडियो। सो देखो दोस्तों, अभी हम आईडी ऑन कर लेंगे। ये है मेरा उबर का, ये आईडी ऑन होगी, और ये है रैपिडो भैया का। ठीक है, और इनकी भी आईडी ऑन होगी। इस पे हाई डिमांड एरिया रहता है कि यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। अब देखते हैं किसमें ज़्यादा जल्दी रेड बजेगी। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको इसकी अर्निंग, इसकी अर्निंग, इसकी टाइमिंग, इसकी टाइमिंग, इसका पेट्रोल, इसका पेट्रोल, पूरी चीज़ दिखाएंगे आपको। ध्यान रखना, वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों ये रही मेरी बाइक। ठीक है, TVS रेडियम, इस पर मैं काम करूंगा उबर कंपनी में, और ये भैया की स्प्लेंडर बाइक है, ये काम करेंगे रैपिडो में। देखते हैं किसका पेट्रोल कितना लगता है, क्या चक्कर रहता है, पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाने आज। ठीक है, रहे हमारे हेलमेट। ठीक है, ये भैया का हेलमेट है, और ये भैया की सवारी के लिए। ठीक है, जो मेरा हेलमेट तो है नहीं, मैं तो सरदार हूं, तो मेरा हेलमेट इसके अंदर है। ठीक है, ये जरूरी है, नहीं तो चलान होता। आपको दिखाया होगा मैं पिछली वीडियो में, 1000 रुपये का चलान हो गया था, मैं गया था गुड़गांव साइड, 1000 रुपये का चलान कर दिया था मेरा उसने। ठीक है, तो ये भैया का, ये भैया की सवारी का हेलमेट है, तो वैसे एक हेलमेट रखना, कोई भी 300-400 का आ जाता है। ठीक है, मेरी एड बज गई 213 रुपये की, 24 किलोमीटर जाना मैंने न्यू दिल्ली लाजपत नगर। उठा ली भाई मैंने तो, मैं नहीं देखता कि कितनी दूर है, मैं तो उठा लेता हूँ। आप जो उठा ली, पहली रेड मेरी पहले बज गई, 8:45 हुए हैं, और मैं आपका मीटर चेक करवा देता हूँ। 10,547 किलोमीटर चला हुआ। ठीक है, सवाल लगाएंगे 47 किलोमीटर से आगे कितना चलेगा, और भैया की बाइक पता कर लेते हैं। अरे कितना है, 4,435? अभी नहीं लिया ना। अच्छा, तो ये देखो भाई, भैया की है 435, नोट कर लेना, 435 स्प्लेंडर है, और मेरी है 547। ठीक है, देखते हैं कितने घंटे काम करेंगे। मैं 10 घंटे लगा लो, चलो मैं फिर 10 घंटे करूंगा। मेरी एड पहले बजेगी, भैया की अभी तक बजी नहीं, वो इसको चमका रहे हैं अपनी बाइक को। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, देख लेते हैं कहाँ से बंदे को उठाना है, कहाँ छोड़ना है। ठीक है, तो चलते हैं भैया। ओके, सो दोस्तों जी, हमारी आज की पहली राइड है रानी बाग टू लाजपत नगर। ये किलोमीटर लगा लो कि 20-22 किलोमीटर होगा, और हम जाएंगे इनको, भैया को छोड़ने जाना है लाजपत नगर में, इनका ऑफिस है, ऑफिस का काम है इनका, वहाँ पे इनको छोड़ना है। ठीक है, तो इसके हमें मिले हैं 230 रुपये। सो बहुत सारे कमेंट आए हैं मुझे पिछली वीडियो में कि भाई एक ऐसी वीडियो बनाओ कि हमें पता चल सके हमें किस में फ़ायदा है, किस कंपनी में फ़ायदा है, किस में ज़्यादा अर्निंग होती है, किस में टाइम कम लगता है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको आप पता चल जाएगा किसमें हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं कम टाइम में। पहली राइड कंप्लीट करते ही हमारा बच गया दूसरा ऑर्डर। ठीक है, ये हमें जाना है, 99 रुपये मिलेंगे हमें। ठीक है, ये हम पहले उठा लेते हैं, क्योंकि ना इसके 15 सेकंड होते हैं, 15 सेकंड के अंदर हमने देखना होता है कहाँ से उठाना है, कहाँ पर छोड़ना बंदे को। ठीक है, सो ये 15 सेकंड ही होते हैं, नहीं ये भाग जाता है, कोई और उठा लेता है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं इसको कहाँ पर उठाना है एक बार। लोकेशन यहाँ से, ये देख रहे हो ना नेविगेटर, यहाँ से लोकेशन लग जाती है। जी, मैं लोकेशन लगा लेता हूँ कहाँ पे हमने जाना। ये देखो, ये ना पूरा जाम दिखा रहा है, जाम जाम के अंदर के जाना पड़ेगा पूरा। अब ये रेड लाइट है, रेड लाइट के ऊपर मैंने दूसरे बंदे को कॉल कर दी, ये दूसरी एड बजी है ना हमारी अभी, तो इसको मैंने कॉल करा, देख लेते हैं कहाँ से खड़ा है बंदा, आसपास ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी उसको बुलाएंगे तो हेलमेट देंगे तो उसके पीछे बिठाएंगे, फिर लेके जाएंगे। ठीक है, बना भैया कोड, OTP 0125। तो ये हमने कोड ले लिया, हम लगा लेते हैं नक्शा मैप, हमने कहाँ जाना, 13 किलोमीटर जाना है, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, थोड़ा जाम भी मिल गया हमें, पूरे रास्ते दिखा देता है कहाँ से हम स्लो जाना है, जल्दी जाना है, कहाँ जाम है, कहाँ नहीं है, सब कुछ दिखा देता है। ठीक है, चलते हैं वीर जी को लेके। वीर जी हेलमेट निकाल लो, इसके अंदर पड़ा है, और बैठ जाओ पीछे आराम से। ठीक है, चलते हैं भाई। सो रेड लाइट हुई है, अभी 1 मिनट से खड़े हैं, तो ये खुलेगी तब जाएंगे, ऐसे ही ना हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है यार। भाई देखो, दिल्ली में या कहीं भी आप काम करोगे ना, इस काम में पैसा बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा फल पा सकता है इस काम में। ठीक है ना, सो अब देखो भैया को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, और ये था भाई 13 किलोमीटर, इसके जो 13 किलोमीटर के हमें पैसे मिले हैं वो है 106 रुपये, ये हमें मिले हैं। हम राइड यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं, स्टार दे देते हैं, और ये हमारी 2 राइड होगी, अब बजेगी हमारी अगली तीसरी राइड। ठीक है, 10 मिनट वेट करने के बाद हमारी बज गई है तीसरी राइड, और आप एक बार ये देख लो स्टिकर कैसे लगा, आपको ज़रूर बताना यार कमेंट करके। ठीक है, सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक भी जरूर कर दिया करो। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि टाइम हो गए 12 बज गए सही। ठीक है, सो 3 घंटे हो गए हमें काम करते हुए, 3 घंटे में
मैं खड़ा हूँ इस टाइम कालका जी मेट्रो स्टेशन पे। तो दूसरे भैया को फोन करा रैपिडो वाले को, वो कह रहा है अभी मेरा 150 रुपए का काम हुआ है 3 घंटे में, तो मेरा देख सकते हो आप अभी तक 423 रुपए का काम हो गया। तो देखते हैं अगर उसकी बड़ी राइड बज गई तो वो आगे चला जाएगा, तो मेरी छोटी बज गई 2-3 तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा ही है, मतलब मेन हमारा जो पता लगेगा वो है शाम को, जितने बजे हम राइड बंद करेंगे उतने बजे आपको दिखाएंगे पूरी अर्निंग क्या सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, बोलना जी ओटीपी 2968। जाना मैं इधर है, किधर है जाना, किधर है चल रहे हैं भाई, ये दिखा देता आपको, 10 मिनट लगेंगे, 3.5 किलोमीटर। तो ये राइड भी हमारी कंप्लीट हुई है, इसके हमें मिले हैं भाई 42 रुपए। ठीक है जी, हम कंप्लीट कर लेते हैं, अब हमारी बजेगी नेक्स्ट राइड। राइड बजी है मेरे घर के पास की, जहाँ मैं खड़ा हूँ देख सकते हो, न्यू दिल्ली। तो राइड बजी है मेरी सुकुरपुर की, मतलब कि जहाँ मैंने घर जाना था रात शाम को वहीं की राइड बजी है। चलते हैं भैया, आगे लग रहा है आप ही हो जी, बताओ जी कोड। हाँ जी 5369। नहीं हुआ भाई 5369, गलत आ रहा है 5316 67। हाँ अब सही है, ये देखो अब इनकी राइड बजी है। ठीक है, तो चलते हैं सुकुरपुर जाना है रानीबाग के पास, वहीं पे तो मैं भी जाना था, मजा आ गया फिर तो। तो चलते हैं भाई, जाके दिखाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वहाँ जाके पूरी अर्निंग दिखाएंगे आपको और मिलते हैं दूसरे भैया से। ओके दोस्तों जी, हमारी आखिरी राइड है, चलते हैं घर पे, दूसरे भैया से मिलते हैं, उनको पूछते हैं रैपिडो का क्या सिस्टम रहा आज का उनका, तो हम भी बताएंगे आपको, पूरी जानकारी देते हैं वहाँ जाके। ठीक है, हेलो जी, हमारी राइड कंप्लीट हो गई, 107 रुपए मिले हैं हमें, मैं कैश करूँगी पेटीएम करेंगे भैया। ठीक है जी, हमारी लास्ट राइड थी, और जी भैया आए हैं कहाँ से, अलीगढ़ से आए हैं, ये कह रहे हैं हमने भी यही काम करना है उबर में करोगे रैपिडो करोगे, उबर में करोगे आज ये वीडियो देखना एक बार, पता चल जाएगा किसमें ज़्यादा फायदा है, ठीक है रैपिडो में या इसमें। ठीक है, सो चलते हैं घर, जो अगली राइड भी बज गई बताओ, रानीबाग की बजी है तो उसको उठा ही लेते हैं, थोड़ा कुछ फायदा हो जाएगा, उधर ही तो जा रहा हूँ घर पे, घर की राइड और बज गई, तो चलते हैं जी हूँ अगली राइड रह के इसको कंप्लीट कर। सो भैया आ गए, भैया के पास आए हैं भाई, भैया की बाइक ये रही, भाई दिखाओ पहले अपनी अर्निंग दिखाओ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको, भैया ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखो भाई भैया की अर्निंग हुई है 127 रुपए, इतनी कम क्यों हुई है, और इसमें फिर मैं एक बंदे को ऑफलाइन भी ले गया था, उसने मेरे को अच्छा 150 रुपए दिए, तो इनका एक भाई पक्का बंदा रखा हुआ वो 150 रुपए देता है इनको रोज लेके जाता है यहाँ से पश्चिम विहार, और पश्चिम विहार से रिटर्न रानीबाग, तभी लेके आना पड़ता है रोज। अच्छा, तो मतलब इनका 150 जी मान लो 300 रुपया हो गया ना, तो आपका 300 रुपए का काम हुआ आज का, तो सुबह हम एक इकट्ठा टाइम लगे थे 9 बजे लगे थे, अभी टाइम कितना हो गया 5:45 लगा लो, चलो 5-3 8 घंटे हो गए होंगे ना, 50 किलोमीटर लगभग भाई, 8 घंटे में 50 किलोमीटर चल गई, 50 किलोमीटर। ये देखो इनकी भाई सुबह जहाँ पे थी 44-35 से अभी आ गया 83, तो 85 हो गया, हाँ लगभग 50 किलोमीटर इनकी बाइक चली है, 50 किलोमीटर चल के रैपिडो में इन्होंने कमाया 300 रुपया, है ना, 100 रुपए का तेल लगा हुआ, वही 50 की एवरेज मान के चलते हम। ठीक है, सो अब मैं दिखाता हूँ अपनी, मैं अपना फोन दिखाता हूँ, पहले मेरी शक्ल देख लो, मैं बहुत दूर घूम के आया हूँ, तो शक्ल देख सकते हो कैसा हो गया, हुलिया बिगड़ जाता है, वैसे मैं रुमाल बांध के रखता हूँ तो ठीक है। ठीक है, सो मैं दिखाता हूँ आपको अर्निंग आपके, मेरा फ़ोन कहाँ है, वो मेरी बाइक है, पहले बाइक दिखा देता हूँ कितनी चली है, सुबह मेरी थी 47, ये देखो 547 थी, 651 होगी, मतलब कि ये लगा लो मेरी पूरी 104 किलोमीटर चल गई बाइक। ठीक है, देख सकते हो आप 104 किलोमीटर बाइक चली है, और अर्निंग दिखाते हैं आपको उबेर में, ये दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हो आप, पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे ना हम, ये रही, ये देखो जी, ये मेरी आज 6 घंटे मतलब कि 7 घंटे, ये देखो ऑनलाइन जो हम रहे हैं ना, जैसे मैंने बंद कर दिया आईडी, खाना वाना खाने लग गया, तो हम उसमें टाइम जो बच जाता है ना फिर हमारा, जैसे जी हम आईडी बंद करी तो इसीलिए ये दिखा रहा 7:45, तो 7 मान लो फिर भी कि 7 घंटे हुए हैं, 14 ऑर्डर करे हैं मैंने 7 घंटे ने, अब के ऑर्डर कितने हुए हैं, मेरे ऑर्डर हुए हैं बताता हूँ आपको, ऑर्डर देखो मेन 4 हुए हैं मेरे ख्याल से, चलो पांचवा ऑफलाइन वाला, पांच ऑर्डर हैं और एक ऑफलाइन, इनके भाई 4 ऑर्डर हुए हैं, पांचवा ऑफलाइन वाला। ठीक है, और मेरे 14 ट्रिप हुई हैं 7 घंटे में। ठीक है, और ये अर्निंग देख सकते हो आप, ये रही मेरी आज की अर्निंग 806 रुपये, जिसमें मेरा 200 का तेल लग गया, पूरी 104 किलोमीटर चली है, 200 को नहीं लगा, 180 रुपये का लगा हुआ, लेकिन मैं 200 मान के चलता हूँ, और 200 का तेल लगा लो और 800 काम हुआ, 600 रुपये बचा, और अभी देख लो 5 बजे हैं,
अभी मैं 2-3 घंटे या 3 घंटे कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं चाय पानी पीता हूँ घर पे जाके, अगर मैं करूँगा तो वो भी मैं इसके बाद वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये रही आज की इनकी दोनों की कंपैरिजन, देख सकते हो आप किस में आपको फायदा लगा होगा, खुद ही आपकी आंखों में विद प्रूफ, ठीक है। कोई इसमें नुकसान ये हो रहा है, इसमें क्या कहते हैं रैपिडो ना बहुत ज्यादा परसेंटेज काट रहा है। हाँ इसमें ज्यादा कटती है ना, इसमें कितना परसेंट काटता है? इसमें 20 बोलते हैं लेकिन 20 से प्लस ही काट रहे हैं, मतलब 20% टैक्स काट दी है। 100 रुपए की राइड बजी है तो आपको कम से कम 20 रुपए या 25 रुपए काट लेगी। ये लो, अगर इसमें 6% काटते हैं ऊपर में, शायद इसमें 20% कटता है, इसमें 6% कटता है, तो इसमें बहुत नुकसान होता है। अगर सब्सक्रिप्शन का क्या सिस्टम होता है वो बताओ एक बार। हटाई दिया परमानेंट, वो नहीं आ रहा ना वो किसी में भी। पहले इसमें ना सब्सक्रिप्शन आता था, जैसे 50 रुपए में एक हफ्ते के लिए आता था, तो 50 रुपए में आप टैक्स नहीं काटती फिर कंपनी, ठीक है। पहले 50 रुपए उनको पे कर दो। हाँ तो इसमें ये काम सही है, ये देख सकते हो आपके सामने है भाई, कोई इसमें हम लुको नहीं रहे छुपा नहीं रहे, सुबह आपको सब कुछ दिखाया था, ठीक है। A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन देके चले थे सुबह, ठीक है। सो मेरी बाइक चली 104 किलोमीटर, इनकी चली 50 किलोमीटर। पक्का ये देखो भाई, इनको बोल दो सबको, सही गल यार। नहीं यार नहीं, काम नहीं है भाई, मुझे पता था ना। सुबह मेरा ये लगा लो 230 रुपए का पहला ऑर्डर भेजा था और इनकी टोटल अर्निंग 300 हुई है, मेरे पहले ऑर्डर में 230 हो गई थी ना। देख लो भाई आप कल से ऊपरी चैनल को बंद कर दो, फेंक दो, डिलीट कर दो इसको, डिलीट कर दो बस अभी इसको, ठीक है। हाँ बंद कर दिया, ऊपर चला लो, बढ़िया रहूंगा अभी। अभी रात को करोगे ना 400-500 का काम, अभी भी आपका हो जाएगा 4-5 घंटे में। हाँ आप कर दिए ऊपर ऑन कर दिए, देखो 0-0 है इसमें अर्निंग दिखाया ना आपकी, इसमें काम कम करते हो ना आप। ले लो ऑर्डर ही बच गया, ऑन करते ही ऑर्डर बच गया भाई ऊपर का। तो संतनगर ये खैर मैं उठाऊंगा नहीं, थोड़ा सा दूर का, ये कहाँ का है? बुराड़ी का है। ओ बुराड़ी, अरे उठा ले करो, मैं तो उठा लेता हूँ यार, तभी तो तुम्हारा कुछ बंदा नहीं, तुम उठाते नहीं यार। जे काम कल तो तभी से उठा लिया करो यार, सुबह उठाया था, अब अपने घर पे आ गए ना आराम से, दोबारा से खाली नहीं आना पड़ा नाले मुझे, ठीक है। अरे उठा ले करो, कोई बात नहीं, वहाँ भी मिल जाएगी। कल से पक्का यही चलाऊंगा सुबह। तो आप तो आज अभी ऑन करा था फिर बंद कर दी। हाँ तो चाय पी के आते हैं दोनों जने, ठीक है। सो देखते हैं भाई आगे दिखाते हैं, अगर मैं शाम को काम करूंगा रात को तो दिखाता हूँ आपको उसके आगे, ठीक है। तो दोस्तों 2 घंटे बाद मैं फिर काम पे चला गया था, ठीक है। अब मैं आया हूँ गुरुद्वारे में, पार्किंग में खड़ा हूँ मैं, और उसके बाद जो मेरे ऑर्डर हुए हैं जो आपको दिखा देता हूँ कितने घंटे मेरे आज की पूरे हुए हैं, इसमें सी डिटेल पे ओके करके ये आज की पूरी डिटेल देख सकते हो आप। 8 घंटे 43 मिनट मैंने काम कराया आज के दिन में पूरे में, ठीक है। सो 2-2.5 घंटे मैं फिर आ गया था रात को, क्योंकि मैं फ्री था तो मैं फिर आ गया, तो इसमें 3 मेरी राइड और होगी, 17 ट्रिप होगी, ठीक है। और जो अर्निंग हुई है 982,000 ही मान लो, और मेरी बाइक देख लो 80 हो गया, पहले सुबह जब चले थे 47 था ना, तो अब 80 हो गया, ठीक है। ये लगा लो कि 130-140 मेरी बाइक चली होगी, वही मान लो के चलो कि 250-270 का तेल लग गया होगा, ठीक है। इतने में 270 का तेल लगा, और ये मेरी अर्निंग देख सकते हो आप, ठीक है।